हम कंप्यूटर कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम जिसकी बात करूँ वो होता है हमारा कीबोर्ड।
ठीक है। बाकी जैसे कि अब गोल बटन बचा, अब आपकी स्क्रीन स्क्रीन है इतनी, लेकिन जो आप लिख रहे हो यहाँ तक आ गया, तो उसको अभी तक पूरा चेक करने के हम स्क्रोल बटन की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक हमारे बेसिकली देखा जाए तो गेमिंग के लिए यूज होती है, गेमिंग और कैड। कैड हमारा सी एडी उनको भी आया, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जो कि हम 2D और 3D इमेजेस बनाते हैं कंप्यूटर में, जिसकी हेल्प से ये बेसिकली इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं अपने अपने इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये एज अ माउस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रेशर के लिए हमारा यूज़ होता है, इसको प्रेशर पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप उनके अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माउस ओवर है सिमिलर, तो माउस की तरह सिमिलर होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं गेमिंग के लिए करते हैं, इसलिए गेमिंग और कैड के लिए। कंसोल भी हमारा बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ होता है, और ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उनमें एज अ माउस की जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसमें हमें जैसे कि अगर माउस की कुछ ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप में, तो हम उसकी जगह ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हैं माउस की जगह, ठीक है। बाकी हमारे गेमिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें एक स्पेशल बॉल दी हुई है आपको, ये हाफ में एक सर्किट होती है अंदर ही और हाफ इसमें टॉप पे होती है बाहर। अब जो ये बॉल है इसको हम अपने फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, पाम से यूज़ कर सकते हैं, थंब से यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक साइड में हो। बाकी हमारे ये माइक्रोफोन एंड हेडफोन, माइक्रोफोन और हेडफोन हमें कोई भी होते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के थ्रो हम वॉइस को रिसीव और उसको सेंड कर सकते हैं। माइक जो होता है, जैसे कि हम मान लो मीटिंग में है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है हमारी, तो उसमें हम माइक की हेल्प से अपनी जो वॉइस होगी उसको हम दूसरों को सेंड कर सकते हैं अपने माइक की हेल्प से। बाकी हेडफोन जैसे कि अब मीटिंग चल रही है, अब ज़रूरी नहीं कि आप अकेले बैठे हो, साइड में आपके पास आसपास लोग भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। तो हेडफोन की हेल्प से आपको उनकी वॉइस में डायरेक्टली आपको सुनाई देगी, आसपास जो लोग बैठे होंगे उनको डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए होता है हेडफोन हमारा होते हैं वॉइस को रिसीव और सेंड के लिए होता है हेडफोन और माइक्रोफोन। ये हमारे सिर्फ वो कहीं मीटिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये हमारे जैसे कि हम वीडियोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उनके लिए भी यूज़ होता है। थैंक यू।